हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ रेणुका रेयर व्लॉग्स। तो अभी बचे थे सुबह के 8:30 और मैं नहा धो के नीचे आ रही थी और हमारा रूम ओपन है, मैंने कई बार बताया। तो बस मैं अभी आ रही हूँ, मैं हमेशा ऐसे ही आती हूँ 8:30-9 तक उतर के, उसके बाद अपना काम शुरू करती हूँ, क्योंकि हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट होता है, मतलब वही 10:30-11, तो मैं बड़ा ईजिली बना भी लेती हूँ। तो बस मैं यहीं आके बॉटल ले जाती हूँ रिदांश के लिए दूध की ऊपर, तो मैं वही ला के यहाँ रखती हूँ एंड देन मैं उसके बाद जाऊँगी पूजा करने। मैं ऊपर से उतरती हूँ तो अपना फ्रेश होके नहा धो के उतरती हूँ हमेशा, तो जब से मेरी शादी हुई है, और उसके बाद मैं नीचे आके अपना दिन काम शुरू करती हूँ। तो बस अब मैं पूजा करूँगी, आज है 2nd of November। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ रेणुका रेयर व्लॉग्स। तो अभी बज रहे हैं 1:15 और आज काम थोड़ा थोड़ा कर लिया है, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब जितना था वो कर ही लिया है, बहुत ज़्यादा आज काम नहीं था। और फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 2nd of November, सो धनतेरस की बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं दिखाती हूँ, आज लग रहा है घर में झालर और भैया लगा रहे हैं, और ये रिदांश भी बाहर खड़े होकर अपना बनाना खा रहे हैं। रिदांश लाओ, ओपन करो, ये लग रही है झालर, आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं, ये भैया लगा रहे हैं झालर, ये लग रही है झालर की लड़ी, आप देख सकते हैं, शाम को दिखाऊंगी मैं बहुत अच्छे से जलने के बाद। और ये रहे हमारे रिदांश। रिदांश हैप्पी धनतेरस, अंकल को दिखा दिया, आप बोलो हैप्पी धनतेरस। सो गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 10 मिनट और रिदांश सो रहा है, मम्मी ऊपर छत पे छत क्लीन करा रही है, पूरा पेंट हुआ था घर में, मैंने बताया था आपको, तो उसकी क्लीनिंग ऑलमोस्ट हो गई, बस लास्ट लास्ट की रह रही है, भैया आए थे उनसे। तो अभी हम लोग जाएंगे धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, मैं मम्मी और दिनेश जी। तो बस मैं वही बताने जा रही हूँ मम्मी को, हैप्पी धनतेरस, रिदांश हैप्पी धनतेरस। हाँ क्या लगा है, क्या है ये, बोलो हैप्पी धनतेरस। इनोवा ही देखता रहता है। हाँ हाँ इनोवा देखो, और लाइट लग गई है रिदांश, सुंदरू सी रात को देखेंगे अच्छे से। हो गया तसला और फावड़ा वही रखा ऊपर। हाँ तो अभी सब लोग चलेंगे ना, दादी मैं आप धनतेरस की शॉपिंग करने, रात को देखेंगे। रात में इतनी अच्छी नहीं आएगी बेटा, थोड़ी धूप है ना, तो अच्छी आ रही है। हाँ ये भी जला दो, ये भी जलती, आज मैं भी चक्कर बदल दिया, अभी कुछ गंदा हो रहा है। सो गाइस, जा रहे हैं अब हम धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस ऊपर आई थी रेडी होने के लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं, मैं मम्मी और दिनेश जी, और 6:30 ऑलरेडी बज गए हैं, तो बस जल्दी जल्दी जाएंगे और फटाक से शॉपिंग करके आएंगे। मास्क तो ले लूँ, मास्क इज़ लाइक वेरी नेसेसरी। चलो मिल गया, तो चलिए आप सबके साथ मिल के आज शॉपिंग करेंगे और देखते हैं क्या लेके आते हैं।
तो गाइज मम्मी सामने ले रही हैं दिए वगैरह, तो हमने ले लिए। लक्ष्मी गणेश जी बहुत सुंदर से मिल गए। अब आए हम यहाँ पे लक्ष्मी जी के चरण वगैरह जो स्टिकर वाले आते हैं वो लेने। सो गाइज ये नेक्स्ट डे की वीडियो है और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो गया, बस रोटी बनाने रह गई है। और आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और धनतेरस की हमारी शॉपिंग हो गई है, थोड़ी बहुत रह रही है तो वो मम्मी आज ले लेंगी, लाइक वो फूल की लड़ी वगैरह वो सब आज ले आएंगी। और मैं यहाँ पे कुछ थोड़ा काम कर रही हूँ दिवाली के लिए, कल के लिए थोड़ी प्रिपरेशन आज ही कर लेती हूँ। लाइक ये छोटे छोटे जो लैम्प होते हैं या जो दिए होते हैं ये लाइट वाले, ये देखिए कितने सुंदर से जी, तो ये मैं निकाल के रख ले रही हूँ, जैसे कल छोटा छोटा काम कम हो जाएगा। और अभी दिए जो हम लोग लेके आए जो मिट्टी के दिए होते हैं वो भी मैं सब अभी धुल के उनको सुखा लूँगी। तो बस अभी क्योंकि मेरा काम हो चुका था और रिदांश भी अभी अपनी बाबा दादी के साथ मार्केट गया हुआ है, तो बस देखिए कितने सुंदर है। और हमने कल इतने सुंदर लक्ष्मी गणेश जी लाए थे, मैं आपको भी दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं अभी दिखाती हूँ आपको, आप एक मिनट रुको। अभी तो प्लास्टिक में मैंने खोल नहीं रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं। इन्होंने पोशाक भी एक्चुअली मतलब कपड़े की ही पहनी हुई है, अदरवाइज जो पोशाक होती है लोग उसको बना देते हैं मिट्टी से या पेन से, लेकिन ये पोशाक इनकी अभी कपड़ों वाली बहुत सुंदर है। मैं कल ना लगने के बाद मंदिर में आपको ज़रूर दिखाऊँगी। हाँ आंटी बताइए। जब भी बज रहे थे 5:15 और आज छोटी दिवाली का ही टाइम है, तो मैं और मम्मी आए थे थोड़ा विंटर के सूट, किसी को मुझे गिफ्ट करना था तो मैं वही लेने आई थी। यहाँ पे विंटर के सूट्स बहुत अच्छे मिलते हैं आगरा में, पास में घर के पास एक बहुत अच्छी सी शॉप है जहाँ मैं खुद और मम्मी भी वहीं से अपने विंटर के कलेक्शन लेती हैं, तो मैं वहीं आ गई थी लेने के लिए। और इसके बाद छोटी दिवाली सारी शॉपिंग तो हमारी हो गई है, फूल माला रह गया तो वो बस हम लेते हुए जाएंगे अपने साथ और मिठाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग मम्मी, हैप्पी दिवाली। दिवाली आप सबको मेरी और मम्मी की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं और मम्मी अभी पी रहे हैं चाय और बज रहे हैं 10:00। और क्या बनेगा मम्मी आज का मेन्यू? मम्मी दाल की कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, आलू का जोर, दही, चटनी। आलू का जोर क्या होता है मम्मी बताइए, बहुत लोग को मालूम नहीं होगा। आलू की ही सब्जी होती है, वो थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा होता है, थोड़े तेज मसालों तेज मसाले वाला, उसको आलू का जोर यहाँ आगरा में बहुत चलता है बेढ़ई जलेबी के साथ। हाँ हाँ हाँ, बेढ़ई जलेबी कचौड़ी यहाँ आगरा का फेवरेट फेमस नाश्ता है, यहाँ का लोग फेवरेट भी कह लीजिए और फेमस है, लोग आते हैं खाने के लिए। बट हम लोग टमाटर डाल के बनाएंगे, वैसे टमाटर नहीं पड़ता है ना मम्मी? खटाई गर्म मसाला तेज पड़ता है, काली मिर्च। हाँ लाल मिर्च भी नहीं पड़ती, काली मिर्च पड़ती है। काली मिर्च, हाँ एक दो बार मम्मी ने बनाया है। मैं तो बस हम लोग अभी वही करेंगे, पहले चाय पी लेंगे और उसके बाद और लंच हम लोग ऐसा करते हैं कि शाम का भी बना के रख लेते हैं, तो शाम को थोड़ा फ़ोन करने का भी टाइम मिल जाए और थोड़ा भगवान जी की भी तैयारी करनी होती है, रंगोली भी होती खाने है। खाने में बनेगा दाल मखनी, हाँ गोभी आलू की सब्जी, फ्राइड राइस दही बड़े। तो आज ये हमारा मेन्यू है और आपको मम्मी ने ब्रेकफास्ट का तो बता ही दिया, हम लोग तसल्ली से चाय पियेंगे और क्या क्या करेंगे पूरे दिन वो सब आपको दिखाएंगे। गाइज अभी बज रहे थे 11:00 और आज तो लेट हो ही जाता है, इतना कुछ बनाने के लिए होता है, तो बस मैं यहाँ पे मम्मी कचौड़ी बेल रही थी और मैं फटक फटक निकाल रही थी और पापा बैठ के गरम गरम नाश्ता कर रहे थे, तो इसके बाद हम सब नाश्ता करेंगे। और हम लोग के यहाँ ना नीचे ऑफिस है, तो ऑफिस में हमेशा ही हम लोग दोपहर को पूजा करते हैं, वहाँ ऑफिस स्टाफ हैं तो वहीं बैठ के हम लोग दोपहर में अराउंड 12:30 के आसपास हर बार पूजा करते हैं लक्ष्मी पूजन। एंड देन उसके बाद शाम को तो जब हम लोग करते हैं जब जो भी अच्छा टाइम होता है तो शाम को ऊपर पूजा करते हैं, बट हर बार दोपहर में हम लोग नीचे ही पूजा करते हैं। तो बस अभी हम लोग वही जल्दी जल्दी कर रहे थे और उसके बाद हम लोग सब जाएंगे नीचे पूजा करने, वहाँ ऑफिस स्टाफ भी है तो आप सबको भी आज साथ में ले चलूँगी, तो बने रहिएगा पूरे। हम लोग जा रहे हैं नीचे ऑफिस में पूजा करने के लिए। नमस्ते।
नमस्ते अंकल, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली प्रियांशी। नमस्ते अंकल, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली दीदांश। दिनेश जी हैप्पी दिवाली, प्लीज हैप्पी दिवाली आ जाओ। और तो हम लोग आ रहे हैं अब ऑफिस में पूजा करने के लिए। 12:15 बज रहे हैं दोपहर के, तो नीचे ऑफिस में भी हम लोग सुबह दोपहर को पूजा करते हैं। हर्ष, ये आ गया हमारा सारा सामान। ये आ गई मिठाई। गाइस अभी हम लोग नीचे आ गए हैं और पापा के, आपको कंपनी का नाम दिख ही रहा होगा, उमा वाला इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो पापा उस पे बना रहे हैं छोटे से गणेश जी। पापा हर बार बनाते हैं और पापा स्वास्तिक एक बार में, सतिया बोलते हैं कुछ लोग तो उसको, एक बार में बनाते हैं। बहुत ही टफ होता है। मैंने एक बार पहले भी बोला था कि एक बार में लोग सही नहीं बनाते, कभी कोई भी लाइन खींचते कभी कोई भी, बट पापा एक बार में एकदम सही से बनाते हैं। तो मैं वही देख रही थी, तो मेरे पास भी हमेशा के लिए हो जाएगा ये कि मेरे को भी कभी बनानी होगी तो मैं ये वीडियो उठा के देखूंगी और बना लूंगी, बिकॉज मेरे से भी सही नहीं बनती है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यही एंड करूंगी और यहाँ से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नए ब्लॉग में